रुबीना वर्सेस राहुल, इजाज वर्सेस कविता, मतलब इजाज वर्सेस कविता तो खैर कॉमन है, बट रुबीना वर्सेस राहुल, अगर आपने प्रोमो देखा है तो आज रात कैप्टेंसी टास्क होने वाला है राहुल वैद्य वर्सेस रुबीना दिलायक, इन दोनों के बीच में। दोनों ही इस सीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं और आज इनके बीच एक घमासान होने वाला है। हालांकि टास्क में इन्हें तो परफॉर्म नहीं करना है, जल्दी से पहले मैं आपको टास्क बता दूं, टास्क है दिल का, मतलब आज दिल का खेल होने वाला है बिग बॉस के घर के अंदर। जहां रुबीना बनी है रेड क्वीन, तो वहीं राहुल बने हैं द ब्लैक किंग। और टास्क ये है कि ये दोनों तो भाई अपने मतलब किंग और क्वीन के पोजीशन में हैं, और बाकी के जो घर वाले हैं उन्हें दिल बनाकर इन्हें देना है। यानी जो लोग राहुल को सपोर्ट करते हैं वो ब्लैक हार्ट बना के राहुल को देंगे, और जो लोग रुबीना को सपोर्ट करते हैं वो रेड हार्ट बना के रुबीना को देंगे। अब बदले में रुबीना और राहुल इन्हें बिग बॉस की तरफ से कुछ कैश दिए गए हैं, ये कैश जो है वो उन कंटेस्टेंट्स को देंगे। तो ये देखना तो खैर आज रात को दिलचस्प होगा कि रुबीना और राहुल को कौन कौन सपोर्ट करता है। फिलहाल जो देखने को आ रहा है वो ये है कि पवित्रा तो सपोर्ट कर रही हैं रुबीना को, वहीं जान और अली जो हैं वो राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जैस्मीन जो रुबीना की बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो थोड़ी डावाडोल दिख रही है इस समय, क्लियर नहीं है, कह रही है रुबीना को कि भाई मुझे कैश मिलेगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो क्लियरली यहाँ फ्रेंडशिप एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क में आ गई है। और इस टास्क के दौरान ना राहुल और रुबीना में जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। पहली बार आप राहुल और रुबीना की लड़ाई देखेंगे बिग बॉस के घर में, बहुत लोग भिड़ चुके हैं। और इस लड़ाई के दौरान जब अपनी वाइफ के सपोर्ट में अभिनव आते हैं तो राहुल उनको भी टारगेट करते हैं और अभिनव को कहते हैं सस्ता वकील। तो चलिए ये तो खैर हम आज रात देखेंगे कि राहुल और रुबीना में से कौन बनता है कैप्टन। वैसे आप किसे चाहते हैं कि वो कैप्टन बने बताइएगा जरूर हमें अपने कमेंट्स के जरिए। इसके अलावा एक और अपडेट दे दूं आपको, हो सकता है कविता कौशिक आपको घर से बाहर दिखें, एज पनिशमेंट उन्हें बिग बॉस घर से बेघर कर दें। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये प्रोमो में इजाज कह रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर दोनों की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कविता जो है वो इजाज को पुश कर देती हैं। और बिग बॉस के घर में आपको पता है गाली गलौच आप जितनी मर्जी कर सकते हैं लेकिन फिजिकल फाइट इज नॉट अलाउड, और इसी को लेकर इजाज जो है वो बिग बॉस के कैमरे में रिक्वेस्ट करते हैं कि कविता के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इससे पहले वो पहले के सीजन को रेफर करते हुए कहते हैं कि इससे पहले इससे कम हिंसा करने वालों को सजा दी गई है, और ऐसे में कविता को तो घर से बेघर होना ही चाहिए। बहुत ज्यादा लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में और हमेशा ही होता आ रहा है। अब मुझे ये काफी क्लीशे लगने लगा है, ऐसा लगता है कविता के पास और कोई मुद्दा नहीं है और इजाज को टारगेट करती रहती है, और खैर कैमरा भी इन दोनों के ऊपर रहता ही रहता है, अब इतना लड़ाई करेंगे तो और क्या होगा। तो इजाज और कविता की फाइट तो आज रात आप देखेंगे ही, इसके अलावा राहुल और रुबीना में से कौन बनेगा कैप्टन ये भी हमको पता चलेगा। और फिलहाल हफ्ते की शुरुआत हुई और 6 लोग नॉमिनेटेड, निकित अम्बोली, जान कुमार, सानू, इजाज खान, कविता कौशिक, रुबीना दिलायक और जैस्मीन भसीन। और अगर अर्ली वोटिंग ट्रेंड्स की बात करें तो टॉप 3 में है रुबीना, जैस्मीन और इजाज खान, और बॉटम में है कविता कौशिक, निकित अम्बोली और जान कुमार सानू। यानी जो इविक्शन की तलवार है वो लटक रही है जान, निकी और कविता के ऊपर। तो क्या लग रहा है आपको, अगला नंबर किसका है बिग बॉस के घर से बेघर होने का, बताइएगा जरूर हमें कमेंट्स के जरिए। और अब मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक नए अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।